में कोई आपके कानून गलत नहीं है, इस तरह की कोई आपके सामने की बात नहीं, सब अपनी ड्यूटी करने का प्रयास कर रहे हैं। सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री के नाते देश के अनुसूचित समाज और जन समाज जनजाति के अधिकारों की रक्षा के लिए जो करना चाहिए वो कर रहे हैं। वो सवाल तीखे लगेंगे, आपको मन हो तो जवाब दीजिएगा, न मन हो तो न जवाब दीजिएगा, देश का यही मूड है। आप सुप्रीम कोर्ट से सांसद हैं, SC ST का आरक्षण लगभग खत्म है, जो रोस्टर तरीका अपनाया गया, आपको लगता है कि इससे आरक्षण इम्प्लीमेंट हो पाएगा? बिल्कुल नहीं, जो आरक्षण व्यवस्था जो पत्र दिया है उससे एक भी अनुसूचित जाति और जनजाति का विद्यार्थी या शिक्षक प्रवेश नहीं पाएगा। तो इसी को लेके बोले दीजिए आप, इसी को लेके हम लोग चिंतित हैं और हम लोग सरकार से लगातार संपर्क में है, लगातार सरकार से संवाद कर रहे हैं। बीजेपी के एक सांसद हैं सुब्रमण्यम स्वामी, RSS कहती है कि आरक्षण खत्म होना चाहिए, आप इसके पक्ष में हैं, उन लोगों की बातों से सहमत हैं? देखिए, ये सब के लोगों का व्यक्तिगत विचार है, मैं किसी के व्यक्तिगत विचार पे कोई टिप्पणी नहीं करता। ठीक, रही बात मोहन बाबा जी ने स्वयं कहा है कि जब तक समाज में बराबरी ना आ जाए तब तक आरक्षण व्यवस्था लागू रहना चाहिए। अच्छा सर, ज्यादातर लोग कहते हैं कि ये जो रिजर्व सीट है ना आरक्षण वाला, जिससे SC ST के सांसद आज तक चुन के आते हैं, आज भी एक भी जनरल सीट पर नहीं जीते हैं, ये भी आरक्षण खत्म हो गया। सबके अपने विचार, आपके क्या विचार? जब तक देश में 26 नवंबर 1949 को संविधान सौंपते समय बाबा साहब ने एक बात कही थी कि 26 जनवरी 1950 से इस देश में राजनीतिक समानता तो आ जाएगी लेकिन आर्थिक और सामाजिक समानता आना बाकी है। जब तक इस देश में ये सब किताब की बातें सारे, मुझे ये बताइए कि बीजेपी की सरकार है, आरक्षण खत्म हो रही है, आप लोग क्या करेंगे? जो ऐसा है, सुन लीजिए, बिहार के उस मंच से जिस पर देश के प्रधानमंत्री स्वयं थे, मैं भी था, उन्होंने कहा उसके जीते जी इस देश में आरक्षण व्यवस्था समाप्त नहीं हो सकती जब तक इस देश तो यूनिवर्सिटी में हो गया ना, ये तो पोर्टल देख रहे हैं। उसके लिए सरकार अपना काम कर रही है, आप इंतजार करिए। क्या काम हो रहा है वही तो बताइए जनता को। हम लोगों ने जिनको रहना है हम लोगों ने कहा है, आप ध्यान रखिए, इस सरकार के रहते, देश के प्रधानमंत्री के रहते, इस देश के समाज का कोई नुकसान नहीं होना। एक सवाल सर जरूरी है सर, बात कीजिए, आप लोग पता है क्या स्थिति है? सोशल मीडिया आप देख ही रहे होंगे, सोशल मीडिया पर बहुजन समाज SC ST OBC माइनॉरिटी के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि जितने रिजर्व कैटेगरी वाले सांसद हैं इनके मुंह में दही जम गया है, अगर ऐसी हालत हो गई है MHRD नोटिस जारी कर दे रहा है। आप लोग कहाँ, आप लोग की तो आवाज सुनाई नहीं पड़ रही करके इस विषय का राजनीति का मत करिए। किस विषय का राजनीति? बहुजन समाज पार्टी समाज में विद्वेष फैला के अगर राजनीति करना चाहती है तो हम लोग विद्वेष फैला के राजनीति कर रहे हैं। आरक्षण की मांग करना विद्वेष फैलाना है? बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं कि आरक्षण की बात, आरक्षण का सवाल उठ रहा है, आरक्षण इस देश में जब तक सामाजिक और आर्थिक समानता नहीं आएगी आरक्षण रहना चाहिए। सर लेकिन खत्म हो रहा है ना, वही तो कह रहा हूं, आपके कहने से थोड़ी खत्म हो रहा है। अरे सर ये प्रोटेस्ट धरना चल रहा है। ठीक है, चल रहा है, खत्म थोड़ी हो रहा है। सर आपकी राजनीतिक मजबूरी है इस वजह से नहीं बोलना चाह रहे हैं? ये आप अपना जो मतलब लगाए, कोई मजबूरी नहीं, इस भाजपा की सरकार के रहते, देश के प्रधानमंत्री के रहते, इस देश के अनुसूचित समाज का कोई अहित नहीं होने वाला। बहुत उम्मीदें हैं आप लोगों से, जो भी SC ST के मंत्री हैं, नेता हैं, जिन लोगों ने, जो लोग नहीं बोल रहे हैं सर आरक्षण जा रहा है, आप समझिए, आपको लगता है जा नहीं है, बी में आरक्षण लगभग खत्म हो चुका है, हो रहा है सरकार, सर ग्रुप सी ग्रुप डी में हमने इंटरव्यू समाप्त कर दिया, भ्रष्टाचार समाप्त हो गया।